नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए 20 जनवरी की शाम 6 बजे तक 14,119 सत्रों में कुल 7,86,842 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। 20 राज्यों में टीके लगाए गए हैं। बुधवार को कुल 1,12,007 लोगों को टीके लगाए गए हैं। टीकाकरण अभियान को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है। मंत्रालय के मुताबिक अभी तक कुल 6 राज्यों में 10 लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। इनमें से 7 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया जा चुका है और वैक्सीन के प्रतिकूल असर से प्रभावित 3 व्यक्तियों को अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक कोरोना का टीका लगने के बाद कुल 4 लोगों की मौत हुई है। एक मौत उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, दूसरी कर्नाटक के बेल्लारी में, तीसरी कर्नाटक के शिवमोगा और चौथी तेलंगाना के निर्मल में हुई है। इन 4 में से 3 मौतों का वैक्सीनेशन से कोई लेना देना नहीं है। तेलंगाना में हुई मौत का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुई मौत कार्डियोपल्मोनरी से हुई है, जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई है। वहीं कर्नाटक के बेल्लारी में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से मौत हुई है। 4 deaths have been reported from Uttar Pradesh, Karnataka, Karnataka 2 and Telangana 1. Uttar Pradesh postmortem confirms cardiopulmonary disease and it is not related to vaccination. Bellary, Karnataka postmortem is suggestive of myocardial infarction and it is also not related to vaccination. A case of Shivamoga, Karnataka is a suspected case of MI. And is also not related to vaccination, while in a case of Nirmal, Telangana, postmortem is going on. A total of 7,86,842 beneficiaries have been vaccinated till 6 p.m. 20th January as per the provisional reports, and no case of serious / severe AFI has been attributed to vaccination till death. देश में टीकाकरण के बाद 6 राज्यों में हॉस्पिटलाइजेशन के कुल 10 मामले सामने आए हैं। इनमें से 7 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। उत्तराखंड में एक मामला आया जिसमें मरीज डिस्चार्ज हो गया। वहीं छत्तीसगढ़ में 1 और राजस्थान में 1-1 मामले आए जिनमें मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। दिल्ली में कुल 4 मामले आए, उनमें से 3 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है, जबकि 1 व्यक्ति राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अंडर ऑब्जर्वेशन में है। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन के बाद कर्नाटक में 2 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 1 व्यक्ति को डिस्चार्ज किया गया है, जबकि 1 प्रभावित चित्रदुर्ग के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अंडर ऑब्जर्वेशन में है। पश्चिम बंगाल में भी 1 मामला सामने आया, मरीज मुर्शिदाबाद के सब डिविजनल हॉस्पिटल में अंडर ऑब्जर्वेशन में है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।